प्रदेश के अमरोहा जनपद में गांव के दबंग द्वारा दो मासूम बच्चों की पिटाई कर पेड़ से भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके के गांव पथरा मुस्तकम में दो बच्चों को दबंग पड़ोसी ने सिर्फ इसलिए अपने घर के अंदर पेड़ से भांग दिया क्योंकि यह दोनों बच्चे खेलते खेलते उसके घर के अंदर घुस गए और उनके हाथ दबंग संकी पड़ोसी विजय का अवैध तमंचा लग गया और वह उसको घर से बाहर ले आए थे। इसको लेकर दोनों बच्चों की पेड़ से बांधने से बांध कर उसकी पिटाई की गई जिसके बाद इन दोनों को पेड़ से बांधा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का समझौता हो गया है और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके के रहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव पथरा मुस्तकम के रहने वाले चौथी कक्षा के दो मासूम छात्र गौरव और उसका दोस्त आकाश रोजमर्रा की तरह गाँव में खेल रहे थे। खेलते खेलते अपने गांव में ही विजय सिंह की पशुशाला में पहुंच गए। वहां उन्हें दोनों को 312 बोर का तमंचा दिख गया जिसको वह बाहर ले आए। इस बारे में जब मालिक विजय को पता चला तो विजय सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने बच्चों से बदला लेने की ठान ली। पहले उसने दोनों बच्चों को पीटा और उसके बाद दोनों बच्चों को पेड़ से बांध दिया। घर के अंदर पेड़ से बंधे इन दोनों बच्चों की किसी गांव के ही युवक ने मोबाइल से वीडियो बना ली जिसके बाद जब यह जानकारी दोनों बच्चों के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने बच्चों को छुड़वाया और आरोपी विजय सिंह के खिलाफ रहरा पुलिस चौकी में पहुंच गए। लेकिन दोनों पक्षों के साथ गांव के लोग भी पहुंच गए थे जिसके बाद गाँव वालों ने दखल देकर पूरे मामले में दोनों पक्षों का समझौता करा दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने भी इस पूरे मामले का समझौता होने की पुष्टि की है। दोनों पक्षों का समझौता होने की वजह से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। बालक खेल रहे थे, बालक खेल रहे, इन्होंने दोनों पकड़ कर लिया और जो भी ले गए घर को। कौन ले गया? नाम नहीं बोलूँगा, कहाँ नाम है? विजय। अच्छा, फिर क्या हुआ? विजय ने बांध कर लटकाए थे बच्चे दोनों, मार पिटाई भाई, फिर भाजी जब बालक उठाए। किस बात को लेकर बच्चों को बांधा गया? खेल रहे बालक, बालक खेलने खेलते खेलते बालक ने टट्टा टूट गया, थोड़ा तो टट्टा ये भैंस बार टट्टा टूट गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर वहाँ पहुँच गए, वहाँ एक तमंचा मिलो, तमंचा मिलो, फिर युवक इन्होंने लटका दिया रस्सी पे ऊपर। किस किस के बच्चे थे? एक हमारा गौरव, एक महेंद्र को आकार दो और एक, 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 तो कैसे छुड़ाया गया उन बच्चों को? जब गए भाज के पर जब छोड़े उन्होंने। किस समय की घटना थी? यही 2 बजे की, 2:30 बजे की घटना ही। तो इसकी कोई शिकायत की गई क्या? शिकायत, हाँ शिकायत पहुँच गई। लिखित में तहरीर दी? लिखित में तहरीर है, वो सब काम है, वो फुल तहरीर फुल काम है, वो पुलिस गाड़ी आई। तो जिस शख्स के द्वारा बच्चों को पेड़ से लटकाया गया था वह शख्स कहाँ पे है? गिरफ्तार कर लिए गए पुलिस के द्वारा क्या? अभी नहीं गए वो तो, अभी अभी आए मिल से, मिल पाए वो, लड़ाई है दोपहर ही, वो तो भज गए यहाँ से, अब आए हैं गन्ना घेर का, गन्ना घेर का भी आए हैं, अब घर को भी ना आए, अभी घर भी ना आए, फिलहाल में घर भी ना। जैसे बताइए, जो ये घटनाक्रम है जिसमें बच्चे को बांधा गया है, तो बच्चों को क्या है पूरा मामला? अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र में रहरा रिपोर्टिंग चौकी के अंतर्गत पथरा गांव में दिनांक 30 को दिन में 2 बजे बच्चों में आपस में कुछ खेल खेल में विवाद हो गया था। बाद में उनके घर वाले जब आए तो आपस में दोनों में सहमत से समझौता हो गया है, अब वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।